नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्वाथ काढ़ा, जीवन रक्षक काढ़ा। हमारा देश तो प्राचीन काल से ही कषाय और काढ़ा में विश्वास करने वाला है। राजा दशरथ जब बीमार पड़े थे तो राजवैद्य ने उनको कषाय पीने की ही सलाह दी थी। तो कषाय बनाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारी किचन में पूरा आयुर्वेद भरा पड़ा है। उसी में से कुछ चीजें लेके हम काढ़ा बनाएंगे। इससे हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी और वही घर की चीजें, कुछ अलग से नहीं डालना है। तो आइए काढ़ा बनाना शुरू करें। देखें इस काढ़े के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्वाथ बना रहे हैं। क्वाथ में हम काली मिर्च डालेंगे। तो हमने बारीक पीसी हुई नहीं ली है, इससे दरदरी हमने पीसी है। ये इस तरह से दरदरी काली मिर्च जब आप पीसेंगे तो जिस समय क्वाथ पियेंगे तो आपके गले में लगेगा नहीं। तो ये काली मिर्च अब हम इसमें डाल देंगे। हमने 1 लीटर पानी लिया है, खोल खोल के जब आधा लीटर रह जाएगा तब हम इसको उतारेंगे। ये इसमें हम दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं, अदरक का क्यूब डाल रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक बहुत अच्छी होती है। खांसी, जुखाम, सर्दी, गले की खराश, सब कुछ अदरक से निकल जाती है। 1 छोटा पत्ता डालेंगे तेजपात का। ये अजवाइन का पत्ता है, मैं पत्ता डाल रही हूं। अगर आपके पास अजवाइन का पत्ता नहीं है तो आप 4 दाने अजवाइन के डाल दें। अजवाइन से पेट संबंधित सारे रोग, बात, कफ, इसमें अजवाइन बहुत फायदा करती है। और हल्दी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। तो 1/4 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, छोटा चम्मच। 1 छोटी इलायची डाल रही हूँ। 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़ के डालेंगे, तुलसी के पत्ते डालेंगे इसमें। अगर आप 1 महीने में दुबले होना चाहते हैं तो आप दालचीनी का काढ़ा रोज पिए। भारत तो काढ़ा और क्वाथ और कषाय का ही देश है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये दालचीनी के कुछ टुकड़े। अगर आप डालना चाहें तो कड़वे नीम के भी पत्ते डाल सकते हैं। ये नीम भी एंटीऑक्सीडेंट होता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और ब्लड प्यूरिफाई करता है हमारा। तो हम इसका भी 1 पत्ता डालेंगे, नीम का 1 पत्ता। आयुर्वेदिक संस्थान कहते हैं कि कोरोना में अपने गले को खराब मत होने दो। कोरोना का जो वायरस है वो हमारे गले में और इधर नाक के आजू बाजू बैठा रहता है। तो गले के लिए हमने मुलैठी कूट के लिए है 1 डंडी और ये मुलैठी का पाउडर है, ये डालेंगे। जब हमारा गला खराब नहीं होगा तो कोरोना हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। 3-4 दिन तक वो हमारी नाक के आसपास गले में, गले तक ही रहता है। तो हम गले को खराब नहीं होने देंगे। अगर आप गुड़ डालना चाहो तो गुड़ डाल सकते हो। मैं इसमें शहद डालूंगी। अगर आपके पास शहद हो तो पहले प्रेफर शहद करें, और शहद नहीं है तो आप गुड़ डाल सकते हैं। ये गुड़ डालने से बहुत टेस्टी हो जाता है। अब इसको हम ओटा ओटा के आधा कर देंगे बिल्कुल। 1 लीटर का 400 ग्राम पानी कर देंगे, 500 ग्राम से भी कम कर देंगे, 500 ml से भी कम कर देंगे। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ रहा है तब तक इसी तरह से काढ़ा पीके, गर्म पानी पीके और ये सारी चीजें डाल के, ये तो हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाती है। आप 4 दिन इसको पीके देखिए आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, कितनी ताकत आ जाएगी आपके अंदर। आप चाय छोड़ देंगे और शाम को ये काढ़ा ही पीने लग जाएंगे। और आप पीजिए काढ़ा, ये बहुत फायदेमंद है। दालचीनी तो अगर आपके चर्बी चढ़ गई है एक्स्ट्रा तो आपको 1 महीने में बिल्कुल स्लिम ट्रिम स्मार्ट बना देगी। खोल खोल के काढ़ा हमारा आधे से भी कम हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इस काढ़ा को छान लेंगे गैस से उतार के। ये तो डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसमें नीम और दालचीनी जो है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को
कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। तो ये काढ़ा तो बिल्कुल अमृत है। अब हम इसमें डालेंगे एक एक चम्मच शहद। शहद को इसमें मिला लेंगे। गुड़ या शहद कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये काढ़ा पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो इसमें मिंट के पत्ते भी डाल सकते हो, पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हो। पुदीना भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और सारी बीमारियां तो पेट से ही होती हैं। जब पेट सही है तो काढ़ा पियेंगे, पेट सही रहेगा तो हमारे ऊपर कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगी। तो देखिए आप कितनी जल्दी हमने काढ़ा बना दिया। आप भी पूरी सर्दियों भर इसी तरह से काढ़ा बना के पीजिए, बनाइए और घर वालों को भी पिलाइए, खुद भी पीजिए, छोटे बच्चों को, 1 साल से छोटी उम्र का जो बच्चा है उसको इतना 1 चम्मच काढ़ा आप पिला सकते हैं। और कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। इसको पी के आप अपने आप को हेल्दी महसूस करने लग जाएंगे, तो वो कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।